हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज टापर उमर एंड हम कंटिन्यू कर रहे थे अपनी MIB सीरीज, जिसमें ये है एपिसोड 2 और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2, दैट इज सॉल्यूशंस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये चीज मैंने आपको बड़े डिटेल में समझाई थी, आप वीडियो भी देखे होंगे सॉल्यूशंस चैप्टर का, जिसमें हमने रिवर्स ऑस्मोसिस दैट इज RO, जो RO केंट वाला प्यूरिफायर वाला हेमा मालिनी जी वाला ऐड आता है, वो RO हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे आपको ये जो क्वेश्चन है काफी इजी है और कम नंबर का ही आएगा। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस, अब इससे रिलेटेड यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सकता है ये चूज द करेक्ट या फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लाइक कुछ ऑप्शंस देके क्या होता है ये भाई, ये हमारा ऐसे होते हैं ना, सॉल्यूट और सॉलेंट मिक्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फ्लो हो रहा होता है इधर से इधर, मान लो ये हो रहा है हाइयर प्रेशर से लोअर से हाइयर, सॉरी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कनेक्टेड कर दें और यहाँ पे प्रेशर लगा दें, जो प्रेशर हायर होगा एज कंपेयर्ड टू द एटमोस्फेरिक या ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, ये डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी और ये यहां से यहां फ्लो होने लगेगा, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, जो हमारा प्रेशर था वो हमने ज्यादा कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, तो वो जो फ्लो होगा वो होगा फ्रॉम हायर टू लोअर और वो वही कहलाएगा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है, चलो तो इसको क्या लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, इफ अ प्रेशर आंसर, इफ अ प्रेशर हायर, इफ अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, तो क्या होगा, अगर हमने ज्यादा कर लिया, देन द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम, देन सॉरी एक सेकेंड इसको पूरा सही से लिखते हैं, देन द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम then the solvent will flow from solution to the from solution into the pure solvent बल्कि from solution into the pure solvent किसके through, through a सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या SPM लिख देते मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इफ अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, देन द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर, तो ये होता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस। फिर से मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान सुनना क्वेश्चन, मैं पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी, अभी भी बोल रही हूँ, आंसर को फ्रेम किया करो। ठीक है, जब भी आप बोर्ड्स वगैरह में क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो उस आंसर को हमेशा फ्रेम करके लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई न्यूमेरिकल भी बोला गया है तो आपको स्टेप वाइज स्टेप लिखना चाहिए और वो स्टेप्स बहुत ज़्यादा आपके लाइक देखने में भी लगना चाहिए कि हाँ उसमें मतलब आपकी गलतियाँ आसानी से निकाली ना जा सके। ठीक है, तो ज़्यादातर अपने आंसर्स को हम लोग को इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इफ अ प्रेशर हायर देन दैट देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, ठीक है, अगर प्रेशर किससे ज्यादा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा सॉल्यूशन, देन द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट, तो वो सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगता है, आप इसको वही उसका ऑपोजिट भी बोल सकते हो, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सबको याद होगा ये चीज जो थी ये इंपॉर्टेंट भी थी क्योंकि ऑस्मोसिस में ये चीज होती है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, इज दिस थिंग क्लियर, देख लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, चलो इसका क्या ही स्क्रीनशॉट लोगे, ये तो खैर इजी था, देन सेकंड क्वेश्चन इज इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन देन व्हाट विल बी इट्स मोलारिटी, ठीक है, तो मोलारिटी निकालना है, एक चीज मेरी याद रखना, ये जो चैप्टर वन सॉल्यूशंस में मोलारिटी मोलालिटी नॉर्मैलिटी मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में ही आपने ये टर्म्स पढ़े हुए हैं, इन टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है, ठीक है, बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना इज मैंडेटरी, वो आएगा ही आएगा, ठीक है, दे कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ अ, यू कैन से चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ द मैच द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ अ 2 marking क्वेश्चन और 1 marking क्वेश्चन, बट इट विल कम एज इट इज, लाइक ये कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आता ही आता है, जैसे कि मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है कौन सा नहीं, राइट वो मोलारिटी दे देंगे, बोलेंगे बताइए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं या फिर नॉर्मैलिटी या फिर कुछ, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है, इसी तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं, स्पेशली इन द इन केस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इनफैक्ट फिजिक्स ऑल्सो, इन दोनों में ही ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ज्यादा लाइक इट इज नॉट लाइक थियोरिटिकल बेस में नहीं आएंगे कि आपको 5 number की थ्योरी लिखने को आ गई एंड सो ऑन, ठीक है, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ रिएक्ट कुछ कन्वर्जन, खैर ऑर्गेनिक की बात तो अलग होती है, अभी ऑर्गेनिक में नहीं आए हम लोग, बट स्टिल कुछ कन्वर्जन आ जाएंगे, वो तो अलग पैटर्न का आता है पेपर, ठीक है, वहाँ पे रटा रटाया टाइप का नहीं आता, तो इन सब छोटी छोटी चीजों पे जरूर फोकस किया करो, बहुत ज्यादा मार्क्स दिला देंगे, रीजंस भी इससे रिलेटेड आ जाते हैं क्योंकि कई बार, ठीक है, चलो खैर क्वेश्चन है 2 gram ऑफ NaOH है प्रेजेंट है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो मोलारिटी हमें निकालना है, विच इज अ इजी क्वेश्चन, राइट, तो अब क्वेश्चन तो इजी सारे ही लगभग होते हैं, तो सारे इजी कैसे होते हैं कि आपको बस उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेकेंडली आपको माइन्यूट मिस्टेक्स करने से बचना है, ठीक है, लाइक कई लोग, अभी मैं यहीं पे एक चीज बताऊंगी क्या कई बच्चे गलत कर देंगे, ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को आप लगाना एंड देन चेक द आंसर आपके क्या आ रहे हैं, तो 2 gram ऑफ NaOH प्रेजेंट है मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles of solute whole divided by volume of solution, तो ये formula तो है लेकिन इस formula में कुछ missing है, क्या अभी बताते हैं, मान लो मैंने इसी formula को लेके values रख दी, ठीक है, number of moles of solute and number of moles का formula आपको पता होगा, number of moles is equals to given mass upon मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कुछ भी बोलो, ठीक है, यहां पे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मान लो एक्स निकालना है ऐसे मान लो, ठीक है, तो गिवन मास कितना है, मैं देखो 2 grams गिवन है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, देखो NaOH है तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है, वैसे देख लो NaOH, ठीक है, Na is 23, O is 16 and H is 1, so 6 plus 1 plus 3 is 10, 1 carry 2 3 4, ठीक है, तो आएगा 40, ठीक है, तो यहां पे मैंने रख दिया भाई 40, विच इज इक्वल्स टू 1/20, ठीक है, ये तो आ गया हमारा, तो यानी कि हमें इसकी वैल्यू मिल गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है ऊपर, राइट, ये देखो ये, तो ये अब देखो यहां पे गलती क्या करने के चांसेस है, आधे से ज्यादा बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, आप खुद से लगा के देखना आपने क्या किया है, ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो x की वैल्यू आई है 1/20 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ml, तो क्या हम 200 रखेंगे, नहीं, क्योंकि क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, जिसने नहीं गलती करी वेरी गुड, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही नंबर कटवा देती हैं, अब एक केवल लीटर में चेंज नहीं किया तो आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही है मैंने आपको याद भी कराया था ऐसे ही कि लीटर्स के टर्म्स में आपको याद भी करना है, देन सेकंड थिंग इज 200 ml, अब कन्वर्ट कर लो भाई, 1000 ml होता है 1 liter में, राइट, तो 1000 ml होता है 1 liter में, तो 1 ml में 1/1000
एंड वहां पे आई गेस 200 दिया, राइट 200, तो इनटू 200 करेंगे, 0 0 कैंसिल, 0.2 आएगा, ठीक है। सो यहां पे मैं रख दूंगी 0.2, ठीक, या जिसको आप सिंपल ये रख देते हैं, चलो ठीक है, चलो 0.2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/20 इनटू 1/0.2, या फिर मैं इसको अब डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 × 10, ठीक है। 0.2 लिखो, चाहे पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, दैट इज ओके। तो यहां से ये कटा 1/4 आएगा, विच इज इक्वल्स टू, एम इज इक्वल्स टू 0.25, कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल एम लिखते हैं मोलालिटी के लिए। सो दिस इज द फाइनल आंसर। डिवाइड करेंगे, जीरो लगाएंगे तो, सॉरी पॉइंट लगाएंगे, जीरो पड़ेगा, हाँ 0.25, ठीक है। क्वेश्चन को देख लो, इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल चांसेस है कि आप ये सब गलतियां कर सकते हो छोटे छोटे। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, देन वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू सब्सटेंसेस ए एंड बी हैव पी नॉट, यहाँ पे ए और बी होगा, हैव पी नॉट ऑफ ए is to p naught of b is equals to 1:2 and have mole fraction in solution 1:2, then what will be the mole fraction of a in vapors, ठीक है। ये question जो है ये किससे related है, पहले तो formula आपको आना चाहिए, पहले given चीजें लिख लिया करो, formula easy चीजें पहले ही लिख लिया करो, ठीक है, ताकि अगर if in case आपका जो फॉर एग्जाम्पल मैथ्स जो है नहीं, मतलब कैलकुलेशन अच्छी है या हम गलत करने के चांसेस बढ़ते हैं, तो कभी भी माइंड में क्वेश्चन मत किया करो। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी करके देन जैसे जैसे बना के लिखना चाहिए लिख देना, लेकिन अगर है तो गिवन वगैरह थोड़ा लिख के किया करो, ताकि गलती करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन में बोल रहा था, सब्सटेंसेस ए एंड बी हैव पी नॉट ऑफ ए एंड पी नॉट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/2, राइट, कुछ ऐसे है, सॉरी, पी नॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ बी इक्वल्स टू 1/2, ये चीज हमें गिवन है, एंड हैव मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन 1/2, क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1/2। अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या गिवन है, ठीक है, 1/2 नहीं लिख रही हूँ मैं इसको, 1/1:2 लिख रही हूँ, क्यों 1:2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे भी लिखा नहीं, जीटा ए जीटा भी होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीजें गिवन है, और क्या कुछ गिवन है, देन व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जीटा ए आपको निकालना है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर्स, ठीक है, फॉर्मुला तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, आई होप सो आप लोग की भी आ गया होगा, क्योंकि मेरे तो आ गया है, ठीक है, राउल्ट्स लॉ वाला फॉर्मुला लग रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इसको हम हटा देते हैं, और क्या हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये बोल सकते हैं, जैसे आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, ये 1 है तो इसको 1k मान लो, 2 है तो इसको 2k मान लो, मैथ्स में आपने किया होगा, नहीं भी किया यार देखो आंसर गलत नहीं आएगा, लेट नहीं भी करोगे आंसर सही ही आएगा, ठीक है। अगर आप ये बोल दो कि लेट पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 एंड पी नॉट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2, चाहे k लिखो चाहे ना लिखो आंसर तो सही आना है, क्योंकि k ऊपर नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली में ये सही नहीं होता है 1 और 2 मानना, तो के टर्म्स में माना जाता है, ठीक है, तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अभी आप समझो यहाँ पे 1 और 2 हमने मान लिया है, ये दो चीजें हमने लेट कर ली, ठीक है। देन क्या है, उसके बाद हमें पता है फॉर्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए जीटा ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहीं पर हम बोलेंगे पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी जीटा बी, क्लियर, ये दो चीजें हमारे पास है। अब देखो हम कैसे इसको करेंगे, this implies that p of a is equals to p not of a is 1, ठीक है, इसी को हम continue कर रहे हैं, पहले a का लिखेंगे, then I will write the b option, so p of a is equals to p not a दिया हुआ है हमें 1, zeta a कितना है, zeta is mole fraction of a, याद रखो दिमाग में, mole fraction of a क्या होता है, यहाँ पे उठा के 1 मत रख देना, फिर से गलत हो जाएगा, mole fraction of a क्या होता है, जितना भी a के number of moles हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, सी होता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, यानी कि जितना जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, ये गलत मत कर देना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जीटा ए की जगह क्या क्या रखेंगे, ए में कितने हैं 1, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, बल्कि मैं आपकी कंफ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पे अब लिख ही देती हूँ इसको, ठीक है, सो जीटा, सॉरी n of a given है, देखो मोल फ्रैक्शन के दिए हुए हैं, a का दिया है आपको 1 एंड n of b given है आपको 2, आई गेस कितना था 2, ये दो चीजें गिवन है, ठीक है, अब रखो इसको फॉर्मूले में, सो 1 into
a का है 1 और a plus b is what? 3. So it is equals to 1 upon 3. b को देखते हैं जरा, p of b is equals to p naught of b zeta b. p naught of b is 2 into zeta b, mole fraction of b divided by total का mole fraction. Mole fraction of b यानी कि यहाँ पे 2 divided by total कितना है? Total तो 3 है हमारे पास. So this will come out to be 4 by 3. तो ये दो values हमारी आ गई. अब हमें a का पता चल गया, b का पता चल गया. निकालना किसका है? Zeta of a final वाला निकालना है हमें, ठीक है? तो हमें zeta of a final वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, p of a is equals to zeta a p of total, ठीक है? अब हम total की बात कर रहे हैं. p of a हमने अभी अभी निकाला था, I guess 1 by 3 आ दी value, ठीक है? So यहाँ पे आएगा 1 by 3 is equals to zeta a ही हमसे पूछ रहा है mole fraction of a, so zeta a into p of total. अब देखो a का पता है, b का पता है, दोनों का sum कर देंगे. So 1 by 3 plus 4 by 3, ठीक है? ये आ गया 1 by 3 is equals to zeta a, इसका एलसीएम लेंगे भाई, 3 आएगा यहाँ पे, 1 plus 4 is 5, 5 by 3, 3 3 cancel हो जाएगा, ये 5 यहाँ नीचे आएगा denominator में, zeta is equals to 1 by 5, so this is the final answer. और we can say, और कहाँ लिख दूँ, zeta a, और we can say कि zeta a is equals to 1 by 5, that is 0. कितना आएगा? 2 आएगा, 0.2, ठीक है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स. तो ये आ गया 5 2 0.2 मोल्स. क्लियर हुई ये चीज? जीटा ए निकालना था हमें, सिंपल था. देखो पहले हमने क्या किया, लेट वेट जो करना था वो कर लिया, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए जीटा ए, पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी. उसके बाद हमने इसका टोटल, क्योंकि हमें टोटल वाले को रखना है यहाँ पे एंड में, क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, देन व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन, यानी कि जीटा ए की बात कर रहा है इन वेपर्स, तो फाइनल वाले का आपको निकाल के देना था. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन, चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है? हो गया सबका. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट टेम्परेचर विल 0.1 मोलल सॉल्यूशन बॉइल इफ केबी फॉर वाटर इज 0.5 केल्विन पर मोल, ठीक है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल मोलल सॉल्यूशन, दैट मोलल सॉल्यूशन यानी कि मोलालिटी गिवन है, सो स्मॉल m इज इक्वल्स टू गिवन है 0.1, ठीक है? और क्या बोल रहा है, बॉइल एट बॉइल इफ kb इज इक्वल्स टू, kb क्या होता है? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. kb दिया हुआ है हमें 0.52, और पूछा क्या है, तो ये पूछ रहा है T ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ B, वही बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं. सो T ऑफ B इज इक्वल्स टू KB, ये कांस्टेंट आता था, इनटू मोलालिटी, यही होता था, याद होना चाहिए सबको फॉर्मूला हमारा. देन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए देखो क्या क्या गिवन है हमको, उसके हिसाब से बहुत ईजी है, तो ये इसमें भी सारी चीजें गिवन है. सो T ऑफ B इज इक्वल्स टू KB 0.52. अब मैं बताऊंगी इसमें आप क्या गलती कर सकते हो, ठीक है? आप अपने आप से सॉल्यूशन करना, देन उसके बाद कंटिन्यू करके चेक किया करो कि क्या कंफ्यूजन है, क्या गलतियां हो रही है, नहीं हो रही है तो वेरी गुड, ठीक है? क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करना, इसी गलतियों में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं. सो 0.52 हो गया इंटू किसकी वैल्यू रखी है मैंने, केबी की वैल्यू रखी है, इंटू एम एस 0.1, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 1, 2, 3. सो टी ऑफ बी विल बी इक्वल, अच्छा ये हम निकाल के रहे हैं डेल्टा टी बी, ये डेल्टा टीबी होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम. अभी बताते हैं डेल्टा टीबी क्यों लिखा है मैंने. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, क्या किया मैंने, ये हटाया, 3 के पहले 0 लगेगा, सो 0.052, ठीक है? एक तो हमारी ये वैल्यू आ गई डेल्टा टीबी. अब क्या यही हमारा आंसर है, इज दिस द आंसर? द आंसर इज नॉट 0.052. व्हाई? इसका रीजन ये है कि आपको वो पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस 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 will get this this this, तो आपका मतलब इसमें this 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 का ये है कि the formula will be delta, ये जो आपका TB होता है वो होता है delta TB plus T naught of B, इन दोनों का sum ही तो होता है, याद करो भाई, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था T naught of B is equals to TB minus T naught of B, sorry T delta TB, राइट? यानी कि जो टोटल, ये क्या है इसका टी नॉट, नॉट मतलब उसमें उसके अलावा और कुछ नहीं है, बी के अलावा और कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे, यही मतलब होता है. T
टी ऑफ बी जो डेल्टा में है वो हमने चेंज निकाला है, और जो टोटल होता है वो इन दोनों का सम होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो टी ऑफ बी है वो इक्वल है डेल्टा टी बी जो आपने अभी अभी निकाला है 0.0, अरे भाई 0.052, एंड इसमें आप ऐड करोगे टी नॉट ऑफ बी। आप कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा मैम टी नॉट ऑफ बी तो कहीं गिवन ही नहीं है, तो भाई डी नॉट ऑफ बी अभी अभी मैंने बोला उसमें टी बी के अलावा और कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे। बी क्या है यहाँ पे, बी है नंबर ऑफ जितने सॉल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बी के, सो बी इज वॉट बी इज टी, सो टी नॉट ऑफ बी यानी का मतलब है इसका 100 होगा टोटल। क्यों 100 होगा समझ गए ना, उसमें उसके अलावा भाई और कोई पार्टिकल ही नहीं है, अगर होते तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देते। सो दिस विल बी इक्वल्स टू टी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.52, दैट इज 100.052 केल्विन, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, जिसमें 100 हमने ऐड किया है। ये याद रखना कि यहाँ पे ये वाला स्टेप लगेगा, अगर ये नहीं लगाओगे और सिर्फ इतना लिख के आ जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मतलब जिसमें सेम होता है, ठीक है, तो जिसमें सेम कंसेंट्रेशन हो जाएगा उसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, द सोल्यूशन हैविंग सेम solute and solvent concentration as a cell is known as isotonic solution, ठीक है। और इसमें जो नेट फ्लो होता है वो भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एग्जिबिट पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ, व्हाट आर दीज डेविएशंस एंड व्हाई आर दे कॉज्ड। देखो, जब हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ते थे तो हम लोग ग्राफ बनाते थे, याद है। मान लो ऐसे करके ये जा रहा है ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी, इस तरीके से ग्राफ होता था, ठीक है। अब या तो होता था पॉजिटिव डेविएशन या तो होता था नेगेटिव डेविएशन। कब कौन सा होता था, अगर हम इसी सॉल्यूशन की बात करें तो अगर हमारा जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है वो कम है एज कंपेयर टू हमारा रॉल्स लॉ वाले का, जो हमारा ऐसे लिखो बल्कि जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आ रहा है वो कम है एज कंपेयर टू हमारे एक्सपेक्टेड से, ठीक है। यानी कि हमने जो सोचा था अगर उससे कम निकल के आ रहा है तो वो होता है हमारा नेगेटिव डेविएशन। इसी का अगर हम वाइस वर्सा करते हैं तो हमारा आता है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अगर ग्राफ से हम इसको बनाते थे तो नीचे आता था ये स्लोप इस तरीके से, और यहाँ पे ये वैल्यू भी कुछ नीचे आती थी, ठीक है। तो ये होता था हमारा नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव चलो ग्रीन से शो कर दे रही हूँ, ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने सोचा है उससे ज्यादा आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है या फिर जो फाइनल वैल्यू आ रही है एक्चुअल वैल्यू, वो ज्यादा होती थी एक्सपेक्टेड से, तो वो पॉजिटिव डेविएशन होता था, ठीक है। तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो हम सोचते हैं अगर उससे ज्यादा या कम होता है तो तभी वो डेविएशन जो होती है वो फ्लो कर जाती है पॉजिटिव या नेगेटिव से। अब ये होता क्यों है, ये होता था इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। यानी कि जो ए ए के बीच में एंड बी बी के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता था, अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए और बी के पार्टिकल्स से तो उस टाइम पे जो डेविएशन होती थी वो होती थी हमारी नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ए ए के पार्टिकल्स बी बी के पार्टिकल्स ज्यादा, ए और बी आप लोग जानते हो कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो अगर इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए और बी के पार्टिकल्स से तो उस टाइम पे जो डेविएशन निकल के आती थी वो नेगेटिव डेविएशन होती थी, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, फॉर एनी कॉन्सेंट्रेशन या फॉर एनी नॉन आइडियल सॉल्यूशन इफ द एक्सपेक्टेड प्रेशर और या फिर एंड द
टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन द एक्चुअल वेपर प्रेशर देन द डेविएशन विल बी नेगेटिव. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, एफ ओ ए लिख दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ए ए बी बी विच इज लेस देन द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी. ठीक है, दिस इज बिकॉज द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल दिस यानी कि सेम पार्टिकल ए ए एंड बी बी के बीच में इज लेस देन, यू कैन राइट इट एज इज लेस देन ए एंड बी. ठीक है, देन इट इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन. अब पॉजिटिव डेविएशन आप लिख लोगे इसी का जस्ट ऑपोजिट है कि भाई जब ये टोटल जो वेपर प्रेशर है या ये जो हमारा एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर ये क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा जो हमारा निकल के आ रहा है, एक्चुअल वेपर प्रेशर निकल के आ रहा है, अगर उससे ज्यादा है तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर होगा या उस टाइम पे जो डेविएशन होगी वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग.